हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और कैसे देखना है आपको अपना जो आया था फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट, तो आपको क्या करना है, आपको UKSSC की साइट खोलनी है। उसमें आप देखोगे तो पहले ही नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, पद कोड 102, पदनाम 1 आरक्षी की शारीरिक दक्षता परिणाम हेतु क्लिक करें। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, ये लिखा हुआ है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे आपको कुछ डाउनलोड करने के लिए पूछेगा, आप इसे डाउनलोड कर देना। मेरा पहले से डाउनलोड हो चुका है। जैसे ही आपका डाउनलोड होगा उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको उसमें देखना है कि क्या करेंगे। देख सकते हो कि ये मेरी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब इसमें आपको आगे काम कैसे करना है वो बताते हैं। अब इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि पदनाम 1 आरक्षी, पद कोड 102, शारीरिक दक्षता परीक्षा का परिणाम। ये लिखा हुआ है कब हुई, कहाँ हुई। देखिए 27 जुलाई से 29 जुलाई, ये लिखा हुआ है कि 27 जुलाई और 29 जुलाई को हुई थी। कहाँ, देहरादून में और हल्द्वानी जिला नैनीताल में 3 व 4 को हुई थी। ठीक है, और इस शारीरिक दक्षता की परीक्षा को सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों की दक्षता का मापजोक परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित है। अब आपको सर्च कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक लिस्ट है, ये पूरी यहाँ नाम है, फादर्स नेम है, जेंडर है, और लास्ट में आप देख सकते हो क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का भी है। अब ये भी बताया गया कौन किस में क्वालिफाइड है कौन नहीं है। देखिए जैसे लिखा हुआ चेस्ट नॉर्मल, NP भी लिखा हुआ है, NP नॉट प्रेजेंट। ठीक है, आप देख सकते हो लास्ट में रिजल्ट आपका ये है, देखिए PST रिजल्ट लिखा हुआ है ना, ये वाला। आप इस लाइन को चेक कीजिएगा, इस लाइन में सभी लगभग क्वालिफाइड लिखे हुए हैं। अगर कोई नॉट क्वालिफाइड होगा तो उसके लिए नॉट क्वालिफाइड लिखा हुआ होगा। जैसे कि आप ये चेक कर सकते हो, देखो ये लिखा हुआ है, यहाँ तो क्वालिफाइड है लेकिन नॉट क्वालिफाइड इन PET, इसको यहीं लिख दिया है नॉट क्वालिफाइड है, यानी कि ये बच्चे नॉट क्वालिफाइड है। यहाँ क्वालिफाइड है लेकिन नॉट क्वालिफाइड इन PET, यानी कि आगे वो किसी चीज़ में नॉट क्वालिफाइड होगा। ठीक है, ये देखिए नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, जो यहाँ किसी चीज़ में क्वालिफाइड नहीं होगा वो पीछे भी क्वालिफाइड नहीं होगा। अब जो लिस्ट है ये लिस्ट बहुत बड़ी है। ठीक है, आप देख सकते हो ये लिस्ट है, और ये बहुत से बच्चों की इसमें अपना नाम खोजने में थोड़ा परेशानी हो जाएगी आपको। तो आप क्या करोगे, आपको सिर्फ ये सर्च बटन बना हुआ है, देखिए जैसे हम नाम खोजते हैं, यह योगेश कुमार, आप ये नाम डालिए, ये रोल नंबर डालिए, चाहे फादर्स नेम डालिए, आप कुछ भी डालिए। ठीक है, वो देख लेंगे। जैसे मैं डाल देता हूँ यहाँ पर पूजा लिखा हुआ है। ठीक है, सर्च में गए, जगमोहन लिखा हुआ है। एक काम करते हैं जगमोहन को ही खोज लेते हैं पहले। देखिए जगमोहन जोशी, ये फादर्स नेम है। आप नेक्स्ट करते रहोगे या प्रीवियस करते रहोगे तो ये बताता रहेगा, जगमोहन जोशी, जगमोहन जोशी, जगमोहन सिंह राणा, जगमोहन जोशी। देखिए यानी कि 2-3 ही हैं हमारे पास, जगमोहन जोशी, जगमोहन जोशी और जगमोहन सिंह राणा। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पूजा की, तो यहाँ पे आप टच करोगे, नाम लिखोगे पूजा। ठीक है, डन आ गया, पूजा रूडी, पूजा कुमारी, पूजा, पूजा रावत, पूजा कुमारी, पूजा। ये देखिए आप ये नाम आ रहे हैं अलग अलग। आप चाहे तो आप रोल नंबर भी डाल सकते हो, आप रोल नंबर डालोगे तो भी आपका सर्च हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।